से उस अमाउंट को डिडक्ट करके अपना ले लेगी जो भी है। ठीक है, अब कंपनी ने कितने लोगों को आईफोन दिए हैं, एयरपैड दिए हैं, आप सोच के देखिए उनकी वैल्यू कितनी होती है मार्केट में, 60-70 हजार। ऐसा तो है नहीं कि नोकिया का छोटा सा मोबाइल पकड़ा दिया आपको 5-7 हजार का। इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट कंपनी ने बांटे, तो कंपनी ऐसा तो है नहीं कि भाई जेब से पैसा देती रहेगी, अपने सर्वर्स पे खर्च कर रही है, इतने बड़े बड़े मेंटेनेंस वेबसाइट जो भी आपकी प्रोटेक्ट करने वाली वेबसाइट्स पे खर्च कर रही है, एनुअली मंथली सबका खर्चा कंपनी अपने जेब से दे रही है। तो अभी कंपनी ने कुछ कमाया नहीं। बॉस, कंपनी तो अब आपको लेके कमाएगी, आपको और हमको लेके कमाने वाली है, क्योंकि कंपनी के पास अब उतना क्राउड हो गया है। कंपनी इस क्राउड का फायदा उठाएगी, जिस फायदे में इसके हिस्सेदार आप होंगे, हम होंगे, जितने लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, उस फायदे का हिस्सेदार आप और हम होंगे, और कंपनी हमसे कहीं ज्यादा होगी। देखिए, कंपनी से चिल्लर आपको बांट रही है, जैसे कि हमने पहले ही बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2.74 यूरो वहां की करेंसी है, हमारे इंडिया में आके उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन वहां के लोगों के लिए चिल्लर है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा इतने 200 कंट्री में अगर ये कंपनी चल रही है तो लोग इंडिया के क्यों जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, करेंसी का फर्क होता है। आप यूएस यूके में चले जाइए, वहां पर आपको कोई बोले आप 1 घंटे वीडियो देखेंगे, एड देखेंगे, तो आपको 2.75 रुपए मिलेगा, दोस्त कोई नहीं करेगा। लेकिन उनकी करेंसी हमारे एशिया इलाकों में आके, हमारे एशियाई कंट्रीज में आके बहुत बड़ी वैल्यू की बढ़ जाती है, इसलिए इंडिया बांग्लादेश इधर के बहुत ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये फर्क पड़ जाता है, करेंसी का अंतर पड़ जाता है। इस वजह से हम लोगों का यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, इंडिया में एमएलएम करने वाले लोग बहुत हैं, और बहुत मतलब कि पब्लिक जो है ना, पब्लिक बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है, दोनों टाइप के लोग हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको एक आसान से प्लेटफॉर्म से पैसा चाहिए, वो इंडिया के अंदर वो काबिलियत है, इंडिया के जो लोग हैं बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी हर चीज को वो कर लेते हैं। तो इंडिया में ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक है इसका, और इंडिया में ही सबसे ज्यादा इनकम इसको बढ़ के मिलने वाली। अब कंपनी ने जो भी प्लान अपने दिए हुए हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग कंपनी ने आपको 1 साल का पूरा रूपरेखा दिखा दी। आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं, आपको 1000 पोटेंशियल इनकम आती केवाईसी करने के बाद। तो आप देखते हैं कि जब आप केवाईसी करने के बाद 1000 पोटेंशियल इनकम है पूरे साल की, कंपनी आपको कैलकुलेट करके। यहाँ एडवर्टाइज देखना है, तो एडवर्टाइज कौन से चीज के देखने हैं, तो ये कंपनी ने बोला है कि आपको ब्रांडेड चीज के एडवर्टाइज दिखाई देंगे, ब्रांडेड कंपनीज के एडवर्टाइज रहेंगे, ब्रांडेड कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगी, हमारे उनका उनका हमारे यहाँ करार हो चुका है ब्रांडेड कंपनीज का, समझो पुमा है, नाइकी है, कोई शूज की कंपनी हो सकती है, कोई कार की कंपनी हो सकती है, कोई कपड़ों की कंपनी हो सकती है, कोई भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स का कोई एडवर्टाइजिंग हो सकता है, कोई क्रिकेट का एडवर्टाइजिंग, फुटबॉल का एडवर्टाइजिंग, बहुत बड़े बड़े सेक्टर से उसकी एडवर्टाइजिंग आपको वहां देखनी है, और एडवर्टाइजिंग के लिए आपको पेमेंट देने वाले। तो लोग पूछते हैं, सर इतना पैसा कैसे दे सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जस्ट कि 2.74 यूरो उनको देने के लिए इसलिए ये हो रहा है, मतलब इजी जा रहा है, क्योंकि जैसे कोई कंपनी को, समझो कोई भी एक कंपनी हम धरते हैं, प्यूमा कंपनी धरते हैं, तो प्यूमा कंपनी को हमारे इंडिया में आती है, और इंडिया में आने के बाद प्यूमा कंपनी कोई एडवर्टाइजिंग देती है तो क्या करेगी, टीवी एडवर्टाइजिंग दिखाएगी। टीवी एडवर्टाइजिंग दिखाने के लिए क्या करेगी, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए, समझो विराट कोहली रहेंगे, धोनी रह सकते हैं, सचिन तेंदुलकर रह सकते हैं, ऐसा प्यूमा, क्योंकि प्यूमा एक ब्रांड है, स्पोर्ट्स का ब्रांड है, तो लोग क्या बोलेंगे, चलो एडवर्टाइजिंग कंपनी बोलेगी कोई बड़े वाले एक्टर या कोई क्रिकेटर के यहाँ मेरे को जाके एडवर्टाइजिंग, तो उनको पेमेंट देना पड़ता है, तो उनको कम से कम ईयरली करोड़ों का, सर 100-200 करोड़ का उनका पैकेज रहता है। तो कंपनी ने ये सोचा है कि मेरे को वहां जाके वो लोगों को पैसा क्यों दूं। अभी कंपनी फिर से बोलती है कि मेरे को कोई भी कंट्री में चला जाता तो मेरे को बैनरिंग करना पड़ेगा, उसके बाद शॉप पे जाके कोई पैम्पलेट छापने पड़ेंगे, पेपर में एडवर्टाइजिंग देनी पड़ेगी, तो उसका पेमेंट मैं जिधर करोड़ों का खर्चा करने वाले हूँ, और अलग अलग 200-250 कंट्री में मेरे को ये करना है, एडवर्टाइजिंग करनी है, तो मेरे को बहुत करोड़ों का खर्चा लगेगा, और करोड़ों का खर्चा लगने के बाद मेरे को ये